हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से आपको पता ही है मोबाइल की दुनिया में एक क्रांति सी आ गई है, और हर कंपनियां कोई ना कोई एक नया फ़ोन हर दूसरे तीसरे दिन लॉन्च हो रहा है, और ये हर कंपनियां चाह रही है से एक दूसरे को बीट करना। हर कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक नए फ़ोन लॉन्च कर दे रही है, कभी ओप्पो तो कभी वीवो तो कभी वन प्लस तो कभी जियोमी। तो इसी क्रांति को आगे रखते हुए अब अभी कुछ दिन पहले वन प्लस ने दो बहुत ही अच्छे फ्लैक्सी फ़ोन लॉन्च किए थे, वन प्लस 7 एंड वन प्लस 7 प्रो। ये दोनों फ्लैक्सी फ़ोन बहुत ही अच्छे हैं। तो इसी कंपटीशन को देखते हुए आप रियलमी रेडमी ने एक दो बहुत ही अच्छे फ्लैक्सी फ़ोन को लॉन्च किए हैं, जो कि अभी कुछ दिनों में ही ऑनलाइन मिलने लगेगा। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, रियलमी रेडमी K20 एंड K20 Pro के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इसके क्या स्पेक्स है, और इसमें ये कहाँ मिलने वाला है और कितने का मिलेगा, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है वो फ्लैक्सी फ़ोन जिसके बारे में बताया था, और यही है जो वन प्लस को टक्कर देने के लिए आए हैं। ये एक किलर फ़ोन है, और किलर 2.0 के नाम से इसको लॉन्च किया है Xiaomi ने। और आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो लोग इतने ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं इसमें। तो चलते हैं, बिल्ड डिज़ाइन की बात करें कि दोनों फ़ोनों में ये बिल्ड डिज़ाइन दोनों फ़ोनों में सेम रहने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है दोनों में। और जो डिज़ाइन देख रहे हैं, डिज़ाइन ओरा प्राइम डिज़ाइन के थ्रू बनाया गया है ये, जो कि एक बहुत ही फ्लैक्सिप लुक देती है इसे। और अगर देखा जाए तो इसमें जो ग्लास फिनिश दिया गया है मेटल साइड बॉडी के साथ, अच्छा प्यारा सा है, जिससे आपको इसको होल्ड करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तीन कलर ये वेरियंट में आपको ये मिल जाएगा, फायर रेड, ग्लेशियर ब्लू और आपको ब्लैक, ये तीन वर्जन में आप दोनों फ़ोनों आपको मिलने वाले हैं। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फ़ोनों के डिस्प्ले और साइज दोनों सेम रहने वाली है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। आपको दोनों फ़ोनों में आपको 6.39 इंचेस के फुल HD 2340x1080 रेजोलेशन का आपको फुल HD डिस्प्ले मिलने वाला है इसमें। और साथ ही इसमें सुपर AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी ब्राइटनेस बहुत ही ऑसम है। साथ ही इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, जो कि आप दोनों साइड ही आपको गोरिल्ला ग्लास मिलता है, बैक एंड फ्रंट इस फ़ोन को और ही बहुत बेहतर बनाती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो K20 में आपको सेम ड्रैगन 730 प्रो का प्रोसेसर मिल जाएगा 2.2 GHz का, और साथ ही इसमें अगर ग्राफिक्स की बात किया जाए तो 218 GPU एड्रेनो का मिलने वाला है, एड्रेनो 218 GPU मिलने वाले हैं इसमें। और दूसरी तरफ अगर हम देखें K20 Pro में, तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर अप टू 2.8 GHz का मिलने वाला है। और इसमें अगर डिस्प्ले GPU की बात करें तो 640 का GPU मिलने वाला है। तो अगर हम कैमरा की बात करें तो कैमरा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा इसमें लगाया गया है। और इसमें रियर कैमरे की हम बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा के साथ ही मिलेगा आपको, ट्रिपल कैमरा जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है 48 MP का मिलेगा सोनी IMX852 के साथ। और सेकेंड दूसरी कैमरा बात करें, टेलीफोटो लेंस की बात करें तो 8 MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा, 13 MP का और सुपर वाइड एंगल लेंस आपको इसमें मिलने वाला है। साथ ही इसमें आप ट्रिपल कैमरा जूम 2x ऑप्टिकल मिलने वाला है, और 10x जूम माइक्रो कैमरा डुअल फ्लैश भी मिलने वाला है। यहाँ स्लो मोशन वीडियो की हम बात करें तो स्लो मोशन 60 FPS का स्लो मोशन इसमें मिलने वाला है दोनों फ़ोनों में। और अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको 20 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा है इसमें, 2.2 अपर्चर के साथ आपको मिलेगा। और साथ ही अगर इसमें बहुत ही अच्छा सा और नोटिफिकेशन लाइट लगाया गया है, जो कि आपको नोटिफिकेशन लाइट आपको कैमरे के ऊपर आपको मिलने वाले हैं।
अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको दोनों ही मोबाइलों दोनों ही वर्जन दोनों फ़ोनों में आपको एंड्रॉयड का लेटेस्ट 9 वर्जन आने मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको इसकी यूआई की बात करते हैं MIUI के जियोमी को जो अपना यूआई है MIUI 10 ये आपको मिलने वाला है। साथ में इसमें गेमिंग सपोर्ट टर्बो 2.0 भी मिलने वाला है। टच एंड सेंसर की बात करें तो ये आपको इस दोनों ही फ़ोनों में इन डिस्प्ले फिंगर स्कैन सेंसर मिलने वाला है। चार्जिंग और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको दोनों ही फ़ोन में 4000 mAh ही अच्छा बैटरी मिलने वाला है। और साथ ही अगर हम चार्जिंग की बात करें कि तो K20 में चार्जिंग में थोड़ी सी कटौती की गई है। K20 में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा 9 वोल्ट के साथ दो, और 20 प्रो की बात करें तो इसमें आपको 27 वाट का सुपर फास्ट चार्जर मिलने वाला है इसमें। दोस्तों अगर हम इसकी एबिलिटी की बात करें और प्राइस की बात करें तो आपका जो K20 Pro है 21,999 जो 6GB और 64GB वाला वेरिएंट है वो 21,999 में मिल जाएगा, और अगर मैं 6GB या 128GB वाले की बात करूं तो वो 23,999 रुपये में मिलने वाला है। और अगर K20 Pro की बात करें तो 6GB वाले वेरिएंट 6GB 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ 27,999 रुपये में मिलने वाला है। वहीं 8GB के साथ 256GB वाला जो वेरिएंट है आपको 30,999 रुपये में मिलने वाला है। और जहां तक इसकी परचेजिंग की बात करें कहां से आप इसे ले सकते हैं, इसको लेने के लिए आपको या तो ये आप AMI स्टोर से ले सकते हो और नहीं तो फ्लिपकार्ट के साइट से ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये आपको वीडियो कैसे लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और साथ ही आपका सजेशन इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सजेशन देना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें, और कोई भी सुझाव हो आपका तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहे ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आए। धन्यवाद दोस्तों।